अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीना हिल व्लॉग्स। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, तो आज हम आए हैं अपने एक न्यू व्लॉग के साथ, जो कि रबी अव्वल के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको आज रिकॉर्ड करेंगे। इतना मुबारक महीना हम लोगों की लाइफ में दोबारा से आया, एक दफ़ा हमें फिर देखने को नसीब हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, कि इतना 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 अच्छा और रहमतों वाला महीना है, ठीक है। और उस पर यह है कि आज मैं एक मिलाद पे जा रही हूँ, मेरी खाला की तरफ मिलाद है रबी अव्वल की हवाले से ही। तो प्लीज़ अब सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट्स मत करने लग जाइएगा कि ऐसे ही खुले बालों में ही जाना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना, एक्चुअली मैं हिजाब करूँगी। अभी तो मैं बस थोड़ा सा स्टार्ट वाला पार्ट आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही थी। एक्चुअली ये जो दुपट्टा है इस टाइम, ये वो वाला है ऑर्गेन्जा, और ये ऐसे कैरी नहीं होता, तो इसलिए मैं हिजाब करूँगी। देन साथ साथ आप लोगों को भी अच्छा जी, तो जनाब मैंने ये सोचा कि साथ साथ जैसे हम लोग हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं और हम अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो हम लोग एक मिलाद पे जा रहे हैं, हमें उसका भी व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहिए, आप लोगों को भी साथ साथ दिखाना चाहिए। माशाल्लाह सब मुसलमान जो हैं, सब मुस्लिम्स, वो इस मंथ में मिलाद करवाते हैं। हम अपनी तौफीक के मुताबिक न्याज देते हैं, हर चीज़, मतलब क्या कहूँ मैं इस महीने के बारे में, आप सबको पता है। तो इसमें यह था कि मैंने कहा कि आज थोड़ा सा मैं इस पर छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, छोटा सा नहीं बड़ा, 8-10 मिनट, छोटे थोड़ी ना होते हैं 8-10 मिनट। आप में मेरी ज़ुबान, मेरी आवाज़ और मुझे भी बर्दाश्त करना है। तो जी अभी हम लोग बस, मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, मैं न्यू ड्रेस लेके आई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसके साथ ये स्किन दुपट्टा है और जिंक सूट है, देखूँगी शायद मैं आपको पूरा दिखा सकूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा सा व्लॉग ना बना लेना चाहिए, तो आप लोगों को भी मैं साथ साथ दिखाऊँ कि मुझे लगा कि साथ साथ आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि रबी अव्वल हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और आप कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसको हमें अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अभी ये है कि मैं बस अभी खाला की तरफ जाऊंगी, और एक्चुअली मुझे वो हिजाब नहीं करना आता जो पिंस के साथ आजकल बड़ा मशहूर तरीन हिजाब है, तो वो फिर मैं जाके उधर अपनी कज़न सिस्टर से करवाऊँगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं साथ साथ सारा कुछ, ताकि आप लोग भी देखें मिलाद। अभी मेरे हेयर्स ज़रा ड्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा उतनी देर क्यों ना व्लॉग का स्टार्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड आप लोगों के लिए कर लेते हैं, और बाकी फिर साथ साथ आपको मैं दिखाती जाऊंगी। अभी बस मामा भी रेडी हो रही हैं, उनकी बहन के घर मिलाद है, तो और फिर ये खुशी का दिन होता है, तो इस पर थोड़ा बहुत तो सारे कर लेते हैं। लाइक अभी आप मुझे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत ही किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। एक लिपस्टिक यूज़ किया, एक बीबी क्रीम यूज़ किया, और टिंट मुझे बहुत पसंद है, और तो मैंने फिर वो लगा लिया। और बस अभी हम लोग जाएँगे खाला की तरफ, फिर बाकी आपको मैं इंशाल्लाह साथ साथ दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज़ यहीं पर रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप नहीं करना आपने। और मेन चीज़ ये कि सबने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोग अपना रबी अव्वल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों ने क्या न्याज दी और सबने मिलाद करवाया या कहीं गए, सब लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब मेरी बात ज़रूर मान लें, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। आपकी बहन का आज गला इतना ख़राब है, और फिर भी बस मैं नॉन स्टॉप बोलती जा रही हूँ, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा जी। तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन कैसे बस मेरा हिजाब सेट वेट कर रही है, जो कि उससे भी मेरा दुपट्टा कैरी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसने बड़ी कोशिश की ताकि मेरा हिजाब सेट कर सके और मैं मिलाद में बैठने के कुछ काबिल हो सकूँ। अभी देखें कैसे मेहनत जारी है उसकी। तो ये देख लें जी, आपकी बहन ने हिजाब कर लिया है, और वो पीछे देखना फातमिन आ रही है, जो कि अब अपने हिजाब कैप ढूंढ रही है। और आपका हिजाब किसने दिया है? ज़रा तैयारी शारी चल रही है यहाँ पे। मैं तो हो गई हूँ जी। और फिर हुआ ये था कि मैं और अम्मा टाइम से ही आ गए थे, तो फिर हमने सोचा कि हम लोगों को कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे अम्मा अपनी बहन के घर बैठी कुरान पाक पढ़ रही हैं, और अब आप ये देखें माशाल्लाह खाला ने कितना अच्छा घर सजाया हुआ है, खुद ही बस मेहनत की है, और इसको कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है, बैनर्स भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने रोज़ पेटल्स डाल के बीच में नाच पान सुपारियाँ फेंक दी ताकि सबको दे सकें। आओ तेरे सहरा पर हे लाए हुए ना मन है रस
ये जो छोटी छोटी सी इस्लामी बहनें हैं ना हमारी, ये जो नातें पढ़ रही हैं ना, इसकी किसी को भी समझ नहीं आनी, इसलिए कुछ भी उस पर रिकॉर्ड नहीं किया। और बस मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, यहाँ पे दुआ ये की जा रही है, या अल्लाह हमें अपना छोटा सा भाई दे दें, बस इसके लिए इतनी शिद्दत से दुआएं हो रही हैं, हिजाब किए हुए हैं। और ये इतनी क्यूट, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत भांजी हैं दोनों मेरी। अच्छा जी, तो जनाब अब हम आ चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और देखें, मेरा हिजाब बिल्कुल ही ख़राब हो गया क्योंकि मैंने इसको खोल लिया था और अब दोबारा से बस ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी मैंने लपेट लिया है। तो जी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें, और जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सब ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको मिलाद कैसा लगा और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।